हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे मैनेजमेंट का और इसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो आज का टॉपिक है पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट मैनेजमेंट का वो पार्ट है जिसमें आदमी का प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, और ये किया जाता है ताकि कंपनी का गोल को, ऑब्जेक्टिव को, मकसद को पूरा किया जा सके। तो इसका मेन फंक्शन हो गया प्लानिंग करना, जिसका तहत प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारा चीज करना है, और विशेष तौर पर ये रिक्रूटमेंट ऑफ पीपल, डेवलपमेंट, उसका ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, उसका पैसा, इंटीग्रेशन और सभी आदमी का मेंटेनेंस को लेके है। तो पर्सनल मैनेजमेंट बहुत सारा आदमी लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन इसका बनाया है। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इज ए मेथड ऑफ डेवलपिंग the potentialities of employees so that they can get maximum satisfaction out of their work and give their best efforts to the organization। तो ये क्या करता है, employees का potential को बढ़ाता है ताकि employee को भी satisfaction मिले, और ये company का अपना ज़्यादा से ज़्यादा अपना योगदान कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का प्रति दे सके। तो यह हो गया पर्सनल मैनेजमेंट। अब हम लोग जानेंगे व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स या फंक्शन। मैंने जो ऑब्जेक्टिव है, मकसद है, वही चीज़ करने पर वो उसका फंक्शन बन गया। तो व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, एक पर्सनल डिपार्ट होता है, उसका क्या मकसद है, क्यों हम लोग रखते हैं, क्या ज़रूरत है। तो इसका पहला है जनरल ऑब्जेक्टिव, दो पार्ट में बांटा गया है, एक है जनरल ऑब्जेक्टिव और दूसरा है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो जनरल ऑब्जेक्टिव में पहला है मैक्सिमम इंडिविजुअल डेवलपमेंट, हर एक इंडिविजुअल को ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करने का मौका देता है, उसको ट्रेनिंग देता है। अब यह इंडिविजुअल पर डिपेंड है, वो कितना उसमें ग्रैस्प कर पाता है, कितना सीख पाता है, कितना अपना क्षमता फिर बाद में दिखाएगा। तो मैक्सिमम इंडिविजुअल डेवलपमेंट का चांस ये प्रोवाइड करता है। सेकेंड है ऑब्जेक्टिव है डिज़ायरेबल वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज, एक अच्छा गुड रिलेशनशिप बनाता है एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का बीच में, ताकि एम्प्लॉय कोऑपरेट करे मैनेजमेंट के साथ और उसका गोल, ऑब्जेक्टिव या टारगेट जो भी है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको मदद करने, उसको हासिल करने में ये मदद करे। सेकेंड है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में है, सबसे पहला है सेलेक्शन ऑफ राइट टाइप एंड नंबर ऑफ पर्संस रिक्वायर्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को जितना ज़रूरत है आदमी का, उतना ज़रूरत पूरा करना है, प्लस राइट कैंडिडेट, उसके लिए सही आदमी तलाश करके उसको ऑर्गेनाइजेशन में लाना है। सेकंड है प्रॉपर ओरिएंटेशन, जो नया आदमी आएगा उसके लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम बन करना है, इंडक्शन प्रोग्राम करना है, क्योंकि वो नया होता है, उसको कंपनी का बारे में जानकारी दिया जाता है, इसी को इंडक्शन प्रोग्राम बोलते हैं। तो ये ओरिएंटेशन या इंडक्शन प्रोग्राम उसके लिए ऑर्गेनाइज कराना है। थर्ड है
सूटेबल ट्रेनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है। जब यह ऑर्गेनाइजेशन में आ गया है नया आदमी, तो उसको एक सर्टेन कहे कि न्यू प्लांट है, नया नया चीज़ है, तो उसको सेफ्टी का बारे अच्छा से, मशीन का बारे, सबका बारे उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड, उसका जॉब का अनुसार। अगर ऑफिस वर्क है तो ऑफिस जॉब का हिसाब से ट्रेनिंग होगा, तो अलग अलग जॉब का हिसाब से उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। फोर्थ है प्रोविजन ऑफ बेटर वर्किंग कंडीशन एंड अदर फैसिलिटीज सच एज मेडिकल फैसिलिटीज़। ये सारा फैसिलिटीज़ उसको प्रोवाइड करना है, मेडिकल फैसिलिटीज एज वेल एज अच्छा वर्किंग कंडीशन। फिफ्थ है टू गिव ए गुड इम्प्रेशन टू द मैन हु इज लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी आदमी कंपनी को ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहा है, वो एक अच्छा इम्प्रेशन लेके छोड़े कि हम एक अच्छा कंपनी के साथ बहुत साल काम किए, और ये सेटिस्फेक्शन उसका अंदर रहे कि हम अब इसे रिटायर हो रहे हैं या इसको छोड़ रहे हैं, तो एक अच्छा इम्प्रेशन बना के कंपनी का वो लेके जाए। नेक्स्ट है मेंटेनिंग गुड रिलेशंस विद द एम्प्लॉयज। हम एम्प्लॉयज के बीच में अच्छा रिलेशन बनाना, तो ये सब हो गया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट्स एज वेल एज फंक्शंस ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है स्टाफिंग। तो पर्सनल डिपार्ट का बहुत सारा काम है, उसका रिकॉर्ड रखना, कौन एम्प्लॉय कब घुस रहा है, उसका रिटायरमेंट का हर एक चीज़ का वो रिकॉर्ड रखता है, प्लस उसका वर्क जो है बहुत सारा बहुत वास्ट फैला हुआ है पर्सनल डिपार्ट का। तो उसी में से एक जो काम है वो है स्टाफिंग। स्टाफिंग में किस तरह से, हम अभी बताए फंक्शन में पहले में, किस तरह से आदमी को लाया जाए, राइट कैंडिडेट को लाया जाए, उसी को बोलते हैं स्टाफिंग। तो स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग इज ए मैनेजरियल फंक्शन विच इन्वॉल्व्स ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग, रिटेनिंग क्वालिफाइड एंड कम्पिटेंट पर्सनल टू फिल ऑल पोजिशंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टॉप टू ऑपरेटिव एंड ऑन। तो स्टाफिंग क्या है? सही कैंडिडेट को ऑब्टेन करना, उसको यूटिलाइज करना, उसको रखना कंपनी में बहुत सालों तक, और वो सही क्वालिफिकेशन का हो और हर एक पोजीशन में वो फिट हो, हर एक माने अलग अलग जगह अलग अलग आदमी का ज़रूरत है, हर जगह वो फिट हो, हर टाइप का आदमी को वो ला सके। तो इसका मेन मकसद है एम्प्लॉइंग, डिप्लॉइंग, मॉनिटरिंग कंपिटेंट एंड कंटेंडेंट स्टाफ। तो ये सारा स्टाफ को एम्प्लॉय करता है, डिप्लॉय करता है, हटाता है, लाता है, मॉनिटर करता है स्टाफ को और उससे काम लेता है। तो इसमें बहुत सारा स्टाफ आ जाता है, डेली वेज आ सकता है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, कंसल्टेंट, रेगुलर एम्प्लॉय। तो ये बहुत सारा जो जो डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ स्टाफ है उसको लाया जाता है, तो इसी को बोलते हैं स्टाफिंग। अब स्टाफिंग का ज़रूरत क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, ये फाइंड आउट करने में पहला है। ये फाइंड आउट करने में मदद करता है एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वर्कफोर्स। हम लोगों को क्या आदमी चाहिए? इफेक्टिव आदमी और एफिशिएंट आदमी, और उसको फिल करना है डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट में। सेकेंड है ऑर्गेनाइजेशन, इट इम्प्रूव्स ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। ये ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस को बढ़ाता है और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। थर्ड है ये फैसिलेट करता है स्टाफिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर फ्यूचर। फ्यूचर में क्या रिक्वायरमेंट्स है उसका हिसाब से भी तैयारी करता है आदमी को लाने में। कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, ज़्यादा आदमी चाहिए, या तो फिर बहुत सारा आदमी रिटायर हो रहा है तो उसका जगह आदमी चाहिए, नया डिपार्टमेंट खुला है उसका जगह आदमी चाहिए, तो ये आदमी कहाँ कहाँ ज़रूरत है, फ्यूचर में और क्या ज़रूरत आने वाला है, उसका हिसाब से तैयारी करके रखता है। नेक्स्ट है इट इंश्योर्स कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये कंटिन्यूस सर्वाइवल, कंपनी बने रहे, चलते रहे, आदमी आते रहेगा जाते रहेगा, तो जितना दिन रहेगा वो काम करेगा, तो कंटिन्यूस ग्रोथ के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है।
नेक्स्ट है डेवलप्स पर्सनल टू टेक अप टॉप मैनेजरियल पोजीशन ऑफ देयर, यह पर्सनल को डेवलप करता है ताकि ऊपर का पोजीशन को लोग फिल कर सके। तो उसके बाद नेक्स्ट है ये इंश्योर करता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, और उसका स्टाफिंग होने के बाद उसका ट्रेनिंग को भी इंश्योर करता है। तो दीज आर द रिक्वायरमेंट इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। अब जानेंगे प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग कैसे किया जाता है। सबसे पहला है मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग मीन्स कितना आदमी का ज़रूरत है, डिमांड कितना है फ्यूचर में, एक दो साल में नियरेस्ट या तीन साल में, तो उसका हिसाब से जो डिमांड है कंपनी का उस हिसाब से उसको फुलफिल करना है। तो मैन पावर का प्लान करेगा किस डिपार्टमेंट में चाहिए, किस डिपार्टमेंट रिटायर हो रहा है, ये सारा चीज़ जानकारी होने के बाद वो उस मैन पावर प्लानिंग करने के बाद फिर ये करता है रिक्रूटमेंट। तो सेकंड हो गया ये प्रोसेस स्टाफिंग का, पहला हो गया प्लानिंग कितना चाहिए, सेकंड हो गया रिक्रूटमेंट। तो ये रिक्रूटमेंट ये एप्लीकेशन मंगाएगा एलिजिबल करने, पहले एडवर्टाइजमेंट निकालेगा और या अलग अलग तरीका है उससे वो एप्लीकेशन मंगाएगा फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स। उसके बाद थर्ड प्रोसेस में ये सेलेक्शन करेगा, अब वो जो जो एप्लीकेशन आया है उसमें से छाँटेगा कि कौन सा एप्लीकेशन सही है नहीं है, वो छँटाई करने के बाद जो फुलफिल करेगा क्वालिफिकेशन उस पोस्ट का हिसाब से उसको फिर बुलाया जाएगा, इंटरव्यू लेगा। इंटरव्यू लेने के बाद जो भी सेलेक्ट हो गया उसका नेक्स्ट है प्लेसमेंट, ये उसको कौन जगह में उसको रखना है उसका डिसाइड करके देगा। उसके बाद है डिसाइड होने के बाद इसके एक ओरिएंटेशन और इंडक्शन प्रोग्राम कराएगा, वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे बताएगा, कंपनी का बारे में बताएगा कैंडिडेट्स को, क्योंकि वो नया होता है उसको जानकारी देगा। उसके बाद फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट चलेगा, उसको ट्रेनिंग सेक्शन में भेज दिया जाएगा जहाँ उसका ट्रेनिंग होगा, और ट्रेनिंग के बाद फिर होगा नेक्स्ट है परफॉर्मेंस अप्राइजल, वो कैसा कर रहा है उसके बारे में ये जानकारी लेगा। तो ये उसके बाद हो गया 8 पॉइंट में करियर मैनेजमेंट के बारे बताएगा, क्या क्या ग्रोथ है इस ऑर्गेनाइजेशन में और क्या करने से अच्छा ग्रोथ हो सकता है, और फिर लास्ट में है कंपनसेशन, उसका वर्क का हिसाब से उसको कितना पैसा मिलेगा। तो ये सारा चीज़ हो गया प्रोसेस में आ जाएगा स्टाफिंग का, ये सारा चीज़ होता है स्टाफिंग में। तो आज का वीडियो में इतना ही, इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।